हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, मैं वो कंसेप्ट बताऊंगी जो तुम्हें एक्सरसाइज 3.1 के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये तरीके से मैं पूरी के पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दूंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी, कंसेप्ट बताऊंगी, सिखाऊंगी। ठीक है, एज वेल एज मैं इसके एक्स्ट्रास भी कराऊंगी। तो क्या हो जाएगा, एक कम्प्लीट ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में ज्योमेट्री है, उसमें हमें कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यूज करने हैं। तो मैं चाहूंगी कि क्लास 8th में ही बेस तुम लोगों को अच्छे तरह से हो जाए। तो चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पॉलीगॉन्स दिख रहे हैं, पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन। इनका कहना है कि अगर तुम्हारा कोई भी फिगर अ सिंपल क्लोज्ड कर्व है मेड अप ऑफ ओनली वन लाइनिंग सेगमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन। इसमें क्या होता है कि तुमने फ्रीली, मतलब एक तरीके से तुमने स्टार्ट किया एक लाइन से और ऐसे करके तुमने कुछ भी शेप बना के उसको एक तरीके से क्लोज कर दिया है। ठीक है, सिंपल है। सिंपल का मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं है, प्लस जहां से तुमने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड हो गया है। तो एक तरीके से ये क्या कहलाया जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगॉन है। तो तुम्हें दिख रहा है कि इनमें से किसी में भी ओवरलैपिंग नहीं है और सिंपल है। यहाँ पे तुम देखो ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे तुम देखोगे क्लोज्ड, एक तरीके से यहाँ पे क्लोज नहीं है। ठीक है, और ओवरलैपिंग भी हो रखी है। अगेन यू विल सी हियर, यहाँ पे भी ये क्लोज नहीं है। तो क्लोज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिंपल जो कर्व्ड है, क्लोज्ड कर्व्ड है, उनको हम कहेंगे पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स दो टाइप्स के, कन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे रखी, पॉलीगॉन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। अब देखो पहले डायगोनल्स का मीनिंग समझो कि अगर हम किसी भी डायग्राम, जो भी फिगर मैंने आप लोगों को दे रखी है, और अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें तो उसको डायगोनल कहते हैं सिंपली। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर तुम्हारा कोई भी पोर्शन ऑफ डायगोनल एक्सटीरियर्स में नहीं है, ठीक है, और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन लाइज ओनली इन द इंटीरियर ऑफ इट। अगर ऐसे हम कोई दो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं और वो इंटीरियर के अंदर है तो उसको हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, और जिनका ऐसा केस नहीं है उनको कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ग्रुप दे रखा है, मैं इसके डायग्नोज बना लूँ, जैसे ये है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये इसके पास हो गया, ये उसके साथ, तो ऐसे कई इन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है। यहाँ पर जैसे दो ही डायग्नोज होते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे भी दो ही डायग्नोज होते हैं, तो ये यहाँ पे, इस टाइप का। अब इसमें तुम देखो एक एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है, टू डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो ये तुम देख रहे हो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो इसको हम पॉलीगॉन, इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। अब इस केस में देखो एंगल एक्सटीरियर बाहर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, प्लस हम अगर इस लाइन को ज्वाइन करें तो ये इंटीरियर में नहीं, एक्सटीरियर में, यहाँ पे ज्वाइन करें एक्सटीरियर में, एंगल भी बाहर बन रहा है। तो ऐसे केस में अगर एंगल भी बाहर बन रहा है, किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी लाइन भी बाहर लाई कर रही है एक्सटीरियर में, तो ऐसे केस में हम उनको कौन सा पॉलीगॉन कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन उसको कहा जाता है जो कि इक्विएंगुलर भी है और इक्विलैटरल भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जिसे इन्होंने स्क्वायर कहा है कि स्क्वायर एक ऐसी चीज है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और साइड भी कैसी होती है, सारी सेम होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। अब इन्होंने रेक्टेंगुलर का पूछा है, रेक्टेंगुलर में एंगल्स तो ऑब्वियसली इक्वल होते हैं पर उसकी साइड्स ऑपोजिट इक्वल होती हैं, सारी सेम नहीं होती है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो सारे एंगल्स को एक ही जैसे नोटेशन दे रखा है और सारी साइड को सिंगल लाइन से डिनोट कर रखा है, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे तुम देखो ये साइड इस साइड को इक्वल है पर ये जो रिमेनिंग साइड है इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। इसमें ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ऑपोजिट के लिए डबल मार्क है और ये इस वालों को सिंगल मार्क है। सेम वे एंगल्स को भी देख सकते हो तुम, ये एंगल सेम मार्क है पर ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट है,
तो अगर पूरे फिगर में एक टाइप के जैसी मार्किंग ना हो तो याद रखना है कि वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स है, और एक ही जैसी मार्किंग है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने डिनोट कर रखा है। ठीक है, फिर है एंगलसम प्रॉपर्टी। हमें पता है कि एंगलसम प्रॉपर्टी, पहले तो हम ट्राइंगल की देखते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल का अगर हम सम करें, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें, तो कंपलसरी 180 डिग्री होनी चाहिए, ना कि 180 से ज्यादा होनी चाहिए ना 180 से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड है तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल के इसमें ही तुम्हारे सारे जो है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, ये सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल का सिंपल सा क्या है, ऑल एंगल्स सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री इन अ क्वाड्रिलैटरल। तो ये इसके एंगलसम प्रॉपर्टी हो गई, इनका यूटिलाइजेशन भी करना है हमने एक्सरसाइज 3.1 में। तो ये था कंसेप्ट जो कि तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 के इसमें चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1।